नमस्कार दोस्तों, वेलकम, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी कार्य जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम, और जैसा कि आप सभी जानते हैं पॉलिटी 1000 एमसीक्यू सीरीज में लगातार हम सभी प्रश्नों के माध्यम से हमारा जो पॉलिटी है, खासकर जो संविधान विषय है, उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। आरएएस और आईएएस और इसके साथ साथ बाकी जितने भी एग्जाम जिनमें पॉलिटी पूछा जाता है, वहाँ पर ये प्रश्न आपको काफ़ी मदद करेंगे। तो बैठे बैठे, घर बैठे बैठे प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो अपना पूरा योगदान करें आप इन वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने में, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस वीडियो को लाइक भी करें। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हमारे सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं हिस्ट्री की क्लासेस भी आप सभी के लिए लेता हूँ आरएएस के लिए। तो हिस्ट्री की मेरी क्लास कल होने वाली है शाम को 5 बजे, राइज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट थ्रू द एमसीक्यूज, ठीक है, इस नाम से ये कक्षा होगी। इसका लिंक मैंने बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इस कक्षा को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस कक्षा में हम सभी बात करेंगे थ्रू द एमसीक्यूज। टॉपिक है हमारा राइज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, और इस टॉपिक को हम कवर अप करेंगे आपकी आरएएस प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप सभी शाम को कल अप्रैल 28 को जो है शाम को 5 बजे इसे देख सकते हैं। आज शाम को भी मैंने 5 बजे एक कक्षा ली थी जिसमें हमने 1857 के रिवोल्ट या विद्रोह के बारे में चर्चा की थी। तो आप मेरा प्रोफाइल फॉलो करें अकेडमी पर और वहां से इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आप वहां पर जाते हैं तो आप मेरा ये कोड जरूर यूज करें जब आप वहां पर साइन अप करते हैं, RASJ10, ठीक है। तो इससे आपको जब भी आप वहां पर कोई कोर्सेज लेंगे तो उससे आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलता रहेगा, तो इसलिए आप ज्वाइन कर सकते हैं वहां पर। जैसा कि आप देख सकते हैं RASJ10 कोड यूज करने से आपको वहाँ 20% किसी भी सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा, और ये मात्र केवल 25 से 28 अप्रैल के लिए है। तो 3 दिन का टाइम है, आज 27 हो चुका है, कल 28, ठीक है। तो 28 तक आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में कोई भी व्यक्ति नीट और बाकी IIT JEE जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप 45 डे का सब्सक्रिप्शन केवल 299 में ले सकते हैं, और अगर मेरा कोड यूज करेंगे तो ये 240 में मिल जाएगा, इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारी कक्षा की और बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, जो है नागरिकता। नागरिकता एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपके संविधान में सम्मिलित किया गया है, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं, भारत में नागरिकता से जुड़ा कौन सा एक कथन गलत है। तो पहला सेंटेंस है, संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी उपबंध किए गए हैं। ये बिल्कुल सही है, संविधान का भाग 1 जहां संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बात करता है, वहीं पर भाग 2 नागरिकता के संबंधित मुद्दों पर चर्चा करता है। अनुच्छेद 5 से 11 का संबंध नागरिकता उपबंधों से है, बिल्कुल सही है। तो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता से जुड़े सभी पहलू, आजादी के समय किस तरह से नागरिकता का प्रावधान था, नागरिकता किस तरह से बनी रह सकती है, और संसद के पास कौन कौन से अधिकार है, ये सारा हमको इन अनुच्छेदों में मिलता है। नागरिकता के लिए नागरिकता अधिनियम 1965 लागू किया गया है, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ पर नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया गया है जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को तय किया जा सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, ये कथन जो है ये गलत है। नागरिकता के लिए वैसे तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में भी इंतजाम है, लेकिन नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है उससे जुड़े सभी पहलुओं को इस नागरिकता अधिनियम 1955 में लिया गया है। तो जहां संविधान के जो अनुच्छेद हैं वो केवल ये बताते हैं कि देश जब आजाद हुआ तब कौन कौन नागरिक था या फिर संसद की क्या शक्तियां हैं, लेकिन वर्तमान समय में आपको किस तरह से देश की नागरिकता मिल सकती है उसके बारे में सारी जानकारी नागरिकता अधिनियम 1955 में हमको मिलती है। ये अंतर आपको समझना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पहले हम नागरिकता को भी समझ लेते हैं। नागरिकता क्या होती है? देखो दोस्तों, नागरिकता एक विशेष स्थिति होती है किसी भी व्यक्ति की जो उसे किसी भी राष्ट्र राज्य के साथ में संबद्ध करती है, ठीक है। तो कोई भी राज्य या कोई भी स्टेट जो कि अपनी मान्यता रखता है, अपने आप में संप्रभु है, उससे जुड़े विभिन्न प्रकार के अधिकार और कर्तव्यों का निर्वहन वो हमें नागरिकता के थ्रू मिलता है। तो कोई भी जो राजनीतिक और नागरिक अधिकार हैं वो अगर आपको प्राप्त करने हैं तो उसके लिए आपको उस देश का नागरिक होना जरूरी होगा, और इसीलिए हर देश में इस तरह के प्रावधान किए जाते हैं। वैसे तो ये शब्द नगर से जुड़ा हुआ है,
तो पहले जो सिटी में रहने वाले जन हुआ करते थे उनको ही सिटीजन कहा गया है, ठीक है। तो नगर में रहने वालों को ही नागरिक कहा जाता था, लेकिन आज इसका उपयोग जो है किसी देश विशेष के लिए किया जाता है। तो बहुत से अधिकार मिलते हैं जो केवल नागरिकों को मिलते हैं, और भारतीय संविधान में भी ऐसे प्रावधान हैं जहां कुछ मूल अधिकार केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए है, विदेशी लोगों के लिए नहीं है। अगला प्रश्न इसी से जुड़ा है, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? पहला है विभेद के विरुद्ध अधिकार, दूसरा है लोक नियोजन में समता का अधिकार, तीसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, और चौथा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2 तथा 3। जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 21 में, ये न केवल भारतीय नागरिकों को बल्कि दुनिया के किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, ठीक है। तो देश में किसी भी व्यक्ति को बिना ट्रायल के, बिना जो स्थापित प्रक्रिया है विधि की, उसके बिना जो है उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो संविधान का जो भाग 3 है अनुच्छेद 12 से 35 वो हमारे मूल अधिकारों पर बात करता है, और इस संविधान में दिए गए जो अधिकार हैं उनमें से कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों के लिए हैं, और उसके अलावा जितने भी अधिकार हैं वो विदेशियों को और नागरिकों को दोनों को प्राप्त है। तो केवल नागरिक वालों में है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 जिसमें केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 16 जो लोक नियोजन या सरकारी नौकरियों में अवसर की समता की बात करता है। अनुच्छेद 19 जो कि हमारी विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करता है। अनुच्छेद 29 जो अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि और संस्कृति संरक्षण संबंधी अधिकार की बात करता है, और अनुच्छेद 30 जिसमें अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और उनके संचालन करने का अधिकार होता है। ये 5 केवल हमारे देश के नागरिकों के लिए है, और इसके अलावा जितने भी अनुच्छेद जैसे कि 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28 ये सारे के सारे हर व्यक्ति को प्राप्त है, भले ही वो देश का नागरिक हो या नहीं हो। अगला जो हमारा प्रश्न है वो बात करता है उन अनुच्छेदों की जो कि अनुच्छेद हमारे संविधान में नागरिकता से जुड़े हैं। प्रश्न है किस अनुच्छेद के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 को पारित किया गया है? मैंने आपको बताया था भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 और नागरिकता अधिनियम 1955, ये तीनों मिलकर के नागरिकता के संबंधित प्रावधानों को पूरा करते हैं। तो नागरिकता अधिनियम 1955 जो पारित किया गया था वो दरअसल अनुच्छेद 11 में वर्णित प्रावधान के अनुसार किया गया है। अब ये कौन कौन से प्रावधान है ये मैं आपको बता देता हूँ। संविधान के भाग 2 में नागरिकता टॉपिक है, इसका जो 5वां अनुच्छेद है वो बताता है कि जब संविधान शुरू हुआ तब कौन कौन भारत के नागरिक थे, ठीक है। तो जब 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ उस समय किस किस को नागरिक माना जाएगा ये हमें पता चलता है। फिर आप जानते हैं कि बहुत से लोग आज़ादी के बाद में भारत से बाहर गए, पाकिस्तान, और पाकिस्तान से यहाँ क्योंकि बंटवारा हुआ, तो ये बताता है पाकिस्तान से भारत आने वाले जो लोग हैं उनके नागरिकता के अधिकार, और पाकिस्तान जाकर वापस भारत आने वाले लोगों के नागरिकता के अधिकार, ये दो चीज़ें इन्होंने यहाँ पर अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 में बताई है। तो ये केवल उस समय की है जब ये संविधान को लागू किया गया है तब के ये जो है प्रावधान है। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव या भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार क्या है ये हमको अनुच्छेद 8 से पता चलता है। तो जो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है उनके कौन कौन से अधिकार है इनकी जानकारी हमको यहाँ से मिलती है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और वो क्या करता है किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो ऐसे में उसकी नागरिकता रद्द हो जाएगी, नागरिकता नहीं होगी, इसका वर्णन अनुच्छेद 9 में किया गया है। इसी तरह से बाकी सभी प्रावधानों के होते हुए भी नागरिकता के अधिकार के बने रहने की जो जानकारी है वो हमको अनुच्छेद 10 में मिलती है, और संसद नागरिकता के अधिकार का कानून बनाकर के कैसे नियमन कर सकती है वो जानकारी 11 में मिलती है। तो ये अनुच्छेद 11 से ही हमारे संविधान में संसद को ये अधिकार मिला है कि वो अधिनियम पारित करे, और उसी के आधार पर संविधान निर्माताओं जो हमारे संसद के सदस्य हैं उन्होंने न केवल अधिनियम को पारित किया बल्कि उसमें कई बार संशोधन भी किया है। चलिए ये तो हो गए हमारे अनुच्छेद जो कि भाग 2 में है। अब हम बात करेंगे हमारे जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसके बारे में और उसमें जो बदलाव किए गए उनके बारे में। तो आपको बताना है कि अगर आपको देश का नागरिक बनना है, ठीक है, क्योंकि
नागरिकता अधिनियम वर्तमान में कैसे नागरिकता मिल सकती है उस पर बात करता है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता का अर्जन कौन कौन से तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन है जन्म के आधार पर, वंशक्रम के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीयकरण या प्राकृतिकता के आधार पर, ठीक है, स्वाभाविकता के आधार पर और क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। तो दोस्तों ये पांचों के पांचों ऑप्शन सही हैं, तो आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार हमारे यहाँ नागरिकता अर्जित करने के पांच तरीके हैं। पहला तरीका जन्म के आधार पर होता है, कोई व्यक्ति यहाँ पर पैदा होता है उसके आधार पर। दूसरा वंशक्रम में, मतलब कि उसकी तीन पीढ़ी यहाँ रहती रही हो, ठीक है, वो नहीं हो भले ही, लेकिन उसकी पीढ़ियाँ यहाँ रहती है उसके आधार पर। तीसरा पंजीकरण के आधार पर, कोई भी बाहरी व्यक्ति जो कुछ एक निश्चित अवधि में अगर भारत में रह ले और फिर उसके माता पिता से जब संबंधित जो शर्तें उनको वो पूरा कर ले तो ऐसे में वो भारत में पंजीकरण करवा सकता है रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, ठीक है। देशीयकरण या प्राकृतिकता के आधार पर, जब आप लंबे समय तक भारत में निवास करते हैं तो उसके बाद में आपको प्राकृतिक आधार पर या देशीकरण से नागरिकता मिल जाती है। और अंतिम है क्षेत्र समाविष्टि, जब भारत किसी अन्य क्षेत्र को अपने देश में समाहित कर लेगा, जैसे कि नागालैंड को हमने समाहित किया, गोवा को हमने समाहित किया, तो सिक्किम को हमने समाहित किया, तो ऐसी परिस्थिति में उन लोगों की नागरिकता के अधिकार, ये सारा हमको यहाँ से जानकारी जो है वो मिलती है नागरिकता अधिनियम 1955 में। तो पांच तरीके हैं जिनसे नागरिकता अर्जित की जा सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता से वंचित करने के अधिकार कौन से तरीके हैं जिनसे वंचित किया जा सकता है। तो दोस्तों वंचित करने के जो हमारे तरीके हैं उनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। पहला है स्वैच्छिक त्याग द्वारा, तो ये सही है, कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी नागरिकता को खुद की मर्जी से त्याग सकता है। अगर उसको पसंद नहीं है कि भारत का नागरिक रहना या नहीं रहना, अगर वो किसी दूसरे देश में जाना चाहता है तो यहाँ की नागरिकता त्याग सकता है। अपराधी घोषित होने पर, ये गलत है, ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है, तो हमारा आंसर तो यही होगा, क्योंकि अगर कोई आपको अपराधी घोषित कर दे इसी आधार पर आपकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती, ठीक है, आपका कृत्य ऐसा होना चाहिए कि आपने नागरिकता छीनने लायक काम किया हो तभी ऐसा किया जाएगा। बर्खास्तगी के द्वारा, ठीक है, आपकी नागरिकता को बर्खास्त किया जा सकता है, एक विशिष्ट आधार पर आपकी नागरिकता को बर्खास्त की कर सकते हैं, जब आप क्या करें किसी दूसरे देश के नागरिक बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी नागरिकता को बर्खास्त किया जा सकता है। और अंतिम होता है वंचन के आधार पर, कुछ कतिपय ऐसे कारण हो सकते हैं जो आपने ऐसे काम कर दिए हों, जैसे आपने शत्रु देश की युद्ध के समय मदद कर दी हो, या फिर कुछ ऐसे कारण जो कि देश की एकता अखंडता आदि चीज़ों के खिलाफ हों, तो ऐसे परिस्थिति में आपका नागरिकता से वंचन किया जा सकता है। तो स्वैच्छिक त्याग, बर्खास्तगी और वंचन, ये तीन तरीके हैं जिनसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अपराधी घोषित होने से इस तरह से नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखते हैं। अब आता है जो नागरिकता अर्जित करने के तरीके, उनमें कुछ तरीके महत्वपूर्ण जो हमें जानने चाहिए, जैसे कि पंजीकरण। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए योग्यता के संबंध में कौन सा एक कथन सही है, ठीक है, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि भारतीय मूल का एक व्यक्ति जब भी पंजीकरण के लिए आवेदन करे तो वो उससे पहले 7 साल तक भारत का निवासी रहा हो, ठीक है, भारत आया हो, भारत रहा हो, फिर हो सकता है बाहर चला गया, लेकिन फिर वो भारत आया हो तो 7 साल तक वो भारत का निवासी रहा हो। एक व्यक्ति जिसने भारत के नागरिक से विवाह कर लिया हो और विवाह करने, तो देखो पहले में क्या है, भारतीय मूल का व्यक्ति, अगर आप भारतीय मूल के हैं तो ही पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिलेगी। दूसरा, आप भारतीय मूल के नहीं हैं लेकिन भारत के नागरिक से विवाह कर लिया और 7 साल से रह रहे हैं भारत में, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन से नागरिकता मिल सकती है। और तीसरा, ऐसे बच्चों व्यक्तियों के अवयस्क बच्चे जो भारत के नागरिक हैं, आप भारत के नागरिक हैं लेकिन आपके बच्चे विदेश रह रहे हैं, बाहर पैदा हुए हैं, सारा सब कुछ है, तो उनको भी एक अधिकार मिल जाता है कि वो पंजीकरण करवा करके नागरिक बन सकते हैं। तो उपरोक्त सभी जो है यहाँ पर सही है। इसमें बहुत से प्रावधान हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो अधिनियम 1955 की धारा 5 के अनुसार भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कब कब हो सकता है, जब आप 7 साल से भारत में रह रहे हो और भारतीय मूल के हों, बल्कि भारत के नागरिक नहीं है अभी आप, भारतीय मूल के, ओरिजिन आपका भारतीय है, आपके माता पिता में से कोई था या दादा दादी में था लेकिन अभी कोई भी नहीं है, ठीक है, आप नहीं है, आप बाहर के नागरिक हो और अब आप चाहते हैं भारत के, तो आपको 7 साल रहना पड़ेगा। इसी तरह से भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी देश में रह रहा हो, वही सेम टू सेम आ जाती है दोनों चीज़ें,
ठीक है। इसी तरह से एक व्यक्ति जिसने भारत के एक नागरिक से विवाह किया और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल के लिए भारत का साधारण निवासी है, तो वही सेम टू सेम प्रावधान है, बस यहाँ पर भारतीय मूल था और यहाँ पर शादी करना अनिवार्य है। उसके बाद में इनके अवयस्क बच्चे भी सम्मिलित हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता 7 साल से भारत में रह रहे थे और अब उन्होंने पंजीकरण करवा लिया और वो नागरिक बन गए, तो ऐसे में ऐसा बच्चा भी नागरिक बन सकता है, ठीक है, उसके लिए कोई रहने की शर्त नहीं है। और इसी तरह से पूर्ण आयु क्षमता का कोई व्यक्ति जिसका कोई एक अभिभावक पहले भारत का नागरिक था, फिर नागरिकता छोड़ दी और अब वापस से नागरिक बनने के लिए पंजीकरण करवा रहा है, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति भी अगर 1 साल से भारत में रह रहा है तो ऐसे में वो भी यहाँ का नागरिक बन सकता है, कितना, 1 साल से। इसी तरह से पूर्ण आयु और क्षमता का कोई व्यक्ति जो भारतीय मूल का नहीं है, वो 7 सालों के लिए भारत में रह रहा है और भारत में एक विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत हो चुका है, तो उसको भी यहाँ पर नागरिकता मिल सकती है। तो ये हो गई आपके पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक रूप से या देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना, कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है आपको ये बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, पहला देखिए कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करेगा तो दूसरे देश की नागरिकता का त्याग करना पड़ेगा, ये शर्त है। तो अगर आपको प्राकृतिक रूप से या देशीयकरण से अगर नागरिकता प्राप्त करनी है, पंजीकरण के द्वारा नहीं, एक अन्य तरीका और है, तो इसके कुछ अलग शर्तें हैं, तो आपको त्याग करना पड़ेगा पहला। तो दूसरा, आवेदन से 12 वर्ष पूर्व लगातार भारत में रह रहा हो, नहीं ये नहीं है, ये है आवेदन से 12 माह पूर्व लगातार भारत में रह रहा हो, ठीक है, तो पिछले 12 महीनों से वो लगातार इंडिया में रह रहा हो। उसका अच्छा चरित्र होना आवश्यक है, चरित्र अच्छा होना जरूरी है, ये भी सही है, और वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं का ज्ञाता हो, मतलब उसको इंडियन लैंग्वेजेस जो है, जो कि हमारी 8th शेड्यूल में है, वो बोलना आना चाहिए, अगर आता है तो वो नागरिक बन सकता है। और भी शर्तें हैं इसमें, तो अवधि है 12 वर्ष की, 12 वर्ष से लगा 12 वर्ष के करीब की जो अवधि है उसमें वो कम से कम 12 वर्ष की अवधि तक भारत में निवास करता रहा हो, लगातार नहीं लेकिन पिछले 12 माह से वो लगातार भारत में निवास कर रहा हो, ये उसके देशीयकरण के लिए आवश्यक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का उपबंध किस देश से लिया गया है। दोस्तों हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है, इसका मतलब ये है कि देश में राज्य और केंद्र सरकार की अलग अलग नागरिकता नहीं है, राज्य और केंद्र दोनों के एक ही नागरिकता है, मतलब आप भारतीय नागरिक कहलाएंगे, आप ऐसा नहीं कि राजस्थान के नागरिक या फिर महाराष्ट्र के नागरिक कहलाएंगे। जबकि जो संघ क्षेत्र होते हैं या फिर संघ राज्य होते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, ठीक है, इस तरह के जो देश होते हैं इनमें क्या होता है, न केवल इनको अपने देश की नागरिकता मिलती है बल्कि इनको अपने राज्य की भी नागरिकता मिलती है, ठीक है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है जो कि भारत और अमेरिका की नागरिकता में, जैसे स्विट्जरलैंड में भी क्या है, वहाँ पर न केवल अपने स्टेट का नागरिक होगा बल्कि उसके साथ साथ पूरे देश का नागरिक भी व्यक्ति होता है। तो हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता का उपबंध अमेरिका से लिया, सॉरी ब्रिटेन से लिया गया है, क्योंकि ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता का ही प्रावधान है, पर ऐसा इसलिए किया है ताकि देश की एकता और अखंडता एक बनी रहे और राज्यों के अंदर जो है अलग अलग होने की भावना नहीं हो। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है, ठीक है, और जैसा मैंने बताया संविधान पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो नागरिकता अधिनियम 1955 है इसको जरूरत पड़ने पर बार बार संशोधित किया गया और आपको बताना है अब तक कितनी बार इसको संशोधित किया गया। दोस्तों अब तक कुल 6 बार ये संशोधित हो चुका है और 6 बार में से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो संशोधित किया गया था वो था 1986 में, ठीक है, इसके बाद में आपके 1992 में इसको संशोधित किया गया, फिर इसको 2003 में संशोधित किया गया, ठीक है, फिर इसको 2005 में संशोधित किया गया, इसके बाद में 2015 में संशोधित किया गया और अब अंतिम अभी हाल ही में 2019 में संशोधित किया गया, जब आप सभी को पता है कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे आसपास के जो देश हैं जहाँ पर माइनॉरिटीज़ में हिंदू बौद्ध अन्य जितने भी जो धर्म के लोग हैं, ठीक है, उन सभी को जो माइनॉरिटीज़ के रूप में वहाँ रहते हैं
अगर वे भारत आते हैं तो 5 साल तक वे रहे हों भारत में तो उसके बाद वो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान है मुस्लिम्स को छोड़ करके। बाकी काफ़ी विवादित भी ये मुद्दा रहा था। तो नागरिकता अधिनियम 1955 को अब तक 6 बार जो है संशोधित किया जा चुका है, ये याद रखिए। विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान, एक विशेष प्रकार की नागरिकता मिलती है, दोहरी नागरिकता तो नहीं है, लेकिन क्या होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो भारतीय मूल का है और किसी दूसरे देश में जाकर रह रहा है तो उसको विदेशी भारतीय, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI कहा जाता है। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का ये प्रावधान जो है 2003 में लाया गया था। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से इसे लाया गया था और इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर 16 देशों की जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनको विदेशी नागरिकता मिल सकती है। इस नागरिकता का लाभ ये होता है कि इनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को ये नागरिकता देना शुरू कर दिया गया, मतलब वे उस देश के नागरिक भी रहेंगे लेकिन भारत के विदेशी नागरिक के रूप में ये पंजीकृत हो जाएंगे। हालांकि इनको वोटिंग देने और बाकी अधिकार नहीं मिलेंगे लेकिन फिर भी ये क्या होंगे, देश के विदेशी नागरिक कहलाएंगे, ओवरसीज सिटीजन, ठीक है। इसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 आया और फिर क्या किया इन्होंने, इन्होंने कुछ प्रावधान संशोधित करते हुए एक नया नाम दिया, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। तो इसमें इन्होंने क्या किया, एक तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति, ठीक है, कोई भी भारतीय मूल का जो व्यक्ति है उसे और विदेशी भारतीय नागरिकता, इन दोनों को एक करके एक ही दे दिया, क्या नाम, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, OCIC, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ये नाम 2015 में दिया गया है। 2003, 2005 और 2015 में इस तरह से संशोधन करके वर्तमान में जो विदेशी देशों में जो भारतीय मूल के नागरिक है पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़कर उनको ओवरसीज सिटीजनशिप की नागरिकता यहाँ पर प्राप्त होती है। तो यह है नागरिकता से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमने कवर अप किया है कुछ प्रश्नों के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आ रहा होगा, जल्दी इसकी टेस्ट सीरीज में मैं आपको लाकर दूंगा। तो यदि आप चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज आए तो कमेंट बॉक्स में आप यस करके लिखें और बताएं कि एक ऐसी टेस्ट सीरीज बने जिसमें पूरे के पूरे आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस तैयार हो जाएं, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकें और बार बार प्रैक्टिस से आप परफेक्ट हो सकें, तो वो सब आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ इसी तरह और देखते रहिए हमारे सभी वीडियोज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अनअकैडमी पर मेरी क्लास कल शाम को 5 बजे ज़रूर ज्वाइन करें, अभी जाकर के वहाँ एनरोल कर लें ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।